हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरपीएन फिटनेस क्लब। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था कि हमारे चैनल पे डाइटरी प्लान स्टार्ट करने वाले हैं हम, एंड फ्रेंड्स हमारे चैनल पे हमने डाइटरी प्लान स्टार्ट कर दिया है। हमने फ्रेंड्स आज की ये वीडियो हमारी थर्ड वीडियो है डाइट के ऊपर। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं चिकन सैलड का, जो कि हम नाइट में यूज कर सकते हैं और ये भरपूर प्रोटीन से भरा हुआ है। फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको चिकन खाने का शौक होगा, बट वो घर में ग्रेवी से बनी हुई चिकन खाना पसंद नहीं करते। किस लिए? वो अपने आप को रोक के रखते हैं, इसलिए क्योंकि ग्रेवी वाला चिकन अगर हम खाएंगे तो फैट हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा आता है। प्रोटीन तो आता है बट फैट भी हमारे बॉडी के अंदर उसी अकॉर्डिंग बढ़ता हुआ चला जाता है। तो मैं आज की वीडियो ये बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से आप अपने घर में चिकन सैलड बना सकते हो। बाहर से जो आपको एक्सपेंसिव चिकन सैलड मिलता है वो आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे ही चिकन सैलड बना सकते हो और प्रोटीन का भरपूर सोर्स ले सकते हो। चलते हैं हमारे रेसिपी की तरफ। फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारे रेसिपी को, किस किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी हमारे चिकन सैलड को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेबल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे चिकन सैलड के लिए। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है कैप्सिकम, मशरूम, कैरेट, कॉर्न एंड अनियन। यहाँ पे मैंने सबको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में रखी हुई है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रखा हुआ है क्यूमिन सीड, ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगैनो एंड जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने रखा हुआ है 1.5 स्पून। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रखा हुआ है क्वांटिटी चिकन की 250 ग्राम। तो फ्रेंड्स चिकन सैलेड के लिए 1 पर्सन के लिए 250 ग्राम चिकन बहुत होता है, एक अच्छा खासा प्रोटीन का सोर्स उसे मिल जाता है 250 ग्राम चिकन में। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉईल करने के लिए वाटर लेंगे। एंड यहाँ पे मैंने वाटर रखा हुआ है अपने बर्तन में, एंड मैं गैस को ऑन कर दूंगा और यहाँ पे पानी को गर्म होने दूंगा हाई फ्लेम में। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा वाटर गर्म हो चुका है नॉर्मली। अब मैं इसके अंदर अपना चिकन डालने वाला हूँ, जो कि मैंने रखा हुआ है 250 ग्राम चिकन मैंने लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने वाटर रखा हुआ है। एंड फ्रेंड्स मैं इसमें अब चिकन डालूंगा। नाउ फ्रेंड्स इसके अंदर मैं अब सॉल्ट ऐड करने वाला हूं, तो मैं यहां पे सॉल्ट ऐड करूंगा। मैं 1/2 स्पून सॉल्ट ऐड करने वाला हूं अपने चिकन के अंदर। फ्रेंड्स यहां पे ये मैंने वाटर के अंदर चिकन ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स अब इसको हम 8 to 10 मिनट्स के लिए बॉइल करेंगे। फ्रेंड्स यहां पे मैंने चिकन को बॉइल करके निकाल लिया है एंड इसका वाटर जो है वो सेव करके रखा हुआ है मैंने। फ्रेंड्स इस वाटर को हम यूज करेंगे बाद में। एंड फ्रेंड्स अब आप देखेंगे कि मैंने फ्राई पैन यहाँ पे लो फ्लेम में रख दिया है गर्म होने के लिए। एंड फ्रेंड्स अब हम अपना सैलड बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा फ्राई पैन गरम हो चुका है, मैं इसके अंदर 2 स्पून ऑयल डालने वाला हूँ। ये मेरा स्पून है एंड मैं इसमें ऑयल डालूंगा, ऑलिव ऑयल। मैंने ऑयल यूज करा हुआ है ऑलिव ऑयल, ऑयल आपने ज्यादा यूज नहीं करना है। एंड फ्रेंड्स अब इसे हम गरम होने देंगे। ऑयल गरम होने के बाद अपना क्यूमिन सीड इसमें डालना है, 1 मिनट के लिए मूव करूंगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट। फ्रेंड्स इसको हम 1 to 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। Then, अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने वेजिटेबल्स। सबसे पहले हम लेंगे ऑनियन। ऑनियन को आपने 1 to 2 मिनट के लिए कुक करना है। फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने सारे वेजिटेबल्स, फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे। फ्रेंड्स हमने इसको कुक करना है जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। एंड अभी आप देखोगे कि लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना चिकन, 1/2 स्पून सॉल्ट डालने वाले हैं। एंड आपको कंटिन्यूसली इसको मूव करना है जिससे कि ये कुक ज्यादा ना हो। यहाँ पे हम अपना ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। देन अगेन आपने अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ब्लैक पेपर पाउडर को। एंड फ्रेंड्स अब हमने जो वाटर सेव करके रखा हुआ था वो इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर वाटर, 5 to 6 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे। फ्रेंड्स अब इसके अंदर हम ऐड करने वाले अपने ऑर्गेनो को, मिक्स करेंगे हम। एंड फ्रेंड्स ये अब रेडी है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चिकन सैलेड बनके रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स बहुत ही यमी बना है ये एंड बहुत ही टेस्टी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
प्रोटीन से भरपूर है ये। फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी रेसिपी है जो मैंने आपको बताया है, चिकन सैलड। फ्रेंड्स इसको आप अपने घर पे बनाइए, अपने डिनर में ऐड कीजिए। अगर आप घर पे बने हुए ग्रेवी वाले मसालेदार चिकन को नहीं खाना चाहते, अपने बॉडी को क्लीन रखना चाहते हो, हेल्दी एंड प्रोटीन से भरा हुआ फूड आप डिनर में ऐड करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स ये चिकन सैलेड घर पे बहुत ही सस्ते में आप खुद से बना सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो। फ्रेंड्स इसी तरीके के फिटनेस एंड हेल्थ से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियो आपके पास लेके आते रहते हैं हेल्थ एंड फिटनेस से के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स अगर आपके कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, एंड कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपने अपनी रेसिपी में ऐड करा है ये, तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।